नमस्कार दोस्तों, आज संडे और आने वाले वेडनेसडे को मेरा है कैनेडियन सिटीजनशिप ओथ। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा टाइमलाइन बताऊंगा। हमारा जो ओथ सेरेमनी है मेरे और मेरे वाइफ का, ये होने वाला इन पर्सन। पहले हमारा आया था वर्चुअल ओथ सेरेमनी के लिए, तो टाइमलाइन में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्यों हम पहले वाला इवेंट नहीं अटेंड कर पाए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उसका जवाब देता हूँ हर किसी का। तो हमारा जो है एलिजिबिलिटी कई महीने पहले हो गया था, पर हमने अप्लाई किया जून में जाकर। जून में हमने अपना पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भेजा था, क्योंकि फैमिली वाला जो है अभी पेपर बेस्ड है। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास ऑनलाइन वाला ऑप्शन है। जून में हमने डाला और हमको अपडेट जो भी आना था वो आने के बाद जो टेस्ट है वो हमारा आया फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए। तो हमने टेस्ट जो है अगस्त में दिया, वर्चुअल था। उसका अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा कैसा एक्सपीरियंस था, क्वेश्चंस क्या थे, वो सब तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमको बोला भी गया है कि कॉन्फिडेंशियल है। पर एक्सपीरियंस कैसे होता है क्या है उस पर मैं वीडियो आपको बना के डालूंगा। तो हमारा टेस्ट जो है मेरे को तो बहुत सिंपल लगा। 2 दिन की पढ़ाई काफ़ी थी और मैंने जो रिसोर्स इन लोगों ने दिया है उसी को सिर्फ देखा, कुछ और यहाँ वहाँ नहीं देखा। सोशल मीडिया में जाओगे आपको बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ सब घुमाएंगे, उनका बुक अगर पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, मैंने दिया है और बहुत मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। तो एक बार वो हो गया, उसके बाद हमको एंड ऑफ सितंबर में बुलाया था ओथ सेरेमनी के लिए। लेकिन हमारा पहले से ही इंडिया जाने का प्लान था, तो हमको अगर इंडिया जाना है तो पीआर कार्ड हमारे हाथ में होना जरूरी था। हमारा अक्टूबर में इंडिया का ट्रिप था और सितंबर एंड से अक्टूबर में कनाडा का पासपोर्ट नहीं आता, OCI कार्ड नहीं बनता। अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होता तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमने पोस्टपोनमेंट के लिए पूछा, हमको जो हेल्प सेंटर में जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने बोला कि आप अपना इंडिया ट्रिप जो है उसको कैंसिल कर दो हो सके तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये प्लानिंग हमने बहुत पहले से किया हुआ था और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 या 3 महीने के अंदर हमारा सिटीजनशिप का आ जाएगा। तो हमने जो है एप्लीकेशन डाला और फिर हम चले गए इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया जाते हम पीआर कार्ड के बिना तो वापस आना हमारा मुश्किल हो जाता। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया था। फिर हमको उन्होंने बोला ठीक है, आप जब इंडिया से वापस आओगे तो आप वापस आ गए हो करके पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट, आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपका बोर्डिंग पास है वो सब डाल के हमको भेज देना। तो हमारा जब इंडिया ट्रिप खत्म हुआ तो हमने उनको पूरा अपना डॉक्यूमेंट जमा किया और मेल में डाला कि हम अभी तैयार हैं सिटीजनशिप के लिए। तो हमको इसी हफ्ते, 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं दिया है इन पर्सन के लिए। यस बेबी, तो इन पर्सन में एक्सपीरियंस कैसे होगा, वर्चुअल वर्सेस इन पर्सन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल होता है तो वर्चुअल के बाद आपको कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलने में, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ से लोग बता रहे हैं और ऑनलाइन उनके वेबसाइट में ये बोला है, करीब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लगता है और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। पर इन पर्सन वाले में क्या है, आपको इमिडिएटली सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा देते हैं और गवर्नमेंट वेबसाइट में अपलोड होने के लिए शायद 2 दिन लग जाए ऑफिशियली, बट आपको सर्टिफिकेट उसी समय पकड़ा देते हैं। और कैसे रहेगा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने वो भी शेयर करूंगा। हमको इंस्ट्रक्शन में दिया कि कोई फैमिली मेंबर कोई फ्रेंड नहीं आ सकता है। हमारी जो बच्ची है वो क्योंकि बहुत छोटी है, बहुत फॉर्मल इवेंट है, तो बोला है कि भाई इसका भी आप इंतज़ाम करके आओ, हमारे पास तो कोई इंतज़ाम है नहीं, तो हम इनको लेके जाएंगे और ये भी हमारे सेलिब्रेशन को देखेगी। तो ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के सामने, कोई सवाल है कुछ है तो आप डालना कमेंट में, मैं जरूर आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस कैसा है। अगला वीडियो मैं वो भी आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।